Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello guys and welcome to this video. इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक को याद करेंगे. ये पार्ट टू वीडियो है. इस वीडियो में हम ग्रुप 16, 17 एंड 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक उसको याद करेंगे. आशा करती हूँ कि आपने जो है एस ब्लॉक के वीडियो को जरूर देखा होगा. एस ब्लॉक के निमोनिक ट्रिक्स याद किए होंगे. उसके अलावा हमने पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14 और 15 को भी याद किया है. वो पार्ट वन वीडियो है. अगर आपने वो पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर के पार्ट वन ऑफ द पी ब्लॉक देखें और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करके आए और फिर ये वीडियो कंटिन्यू करें. ये वीडियो होगा पार्ट टू जो कि होगा पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक, जिसमें हम 16, 17 और 18 ग्रुप को याद करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि पी ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल के इस हिस्से में आता है. इसमें से हमने ग्रुप 13, 14 और 15 को हम याद कर चुके हैं. ठीक है, पिछले वाले वीडियो में. इस वाले वीडियो में हम याद करेंगे ग्रुप 17, ग्रुप 16, 17 और 18 को. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 16 की. आइए बढ़ते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम ग्रुप 16 पे आ गए हैं. ग्रुप 16 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो ऑक्सीजन ग्रुप होता है ग्रुप 16 में, और उसमें होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलेरियम और पोलोनियम. ठीक है, तो कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलेरियम और पोलोनियम. ठीक है, अब इनको कैसे याद करें? तो ये सेंटेंस है, इसको हम याद करेंगे. सेंटेंस क्या है? ओ स्पेन से तेज पोलैंड. क्या सेंटेंस है? ओ स्पेन से तेज पोलैंड. अब क्या है कि जो स्पेन है ना, उसकी फुटबॉल टीम है. ठीक है, और पोलैंड की फुटबॉल टीम है. क्या फिगर आउट हुआ है कि ओ स्पेन से जो तेज है पोलैंड है, तो स्पेन की टीम से ज्यादा तेज पोलैंड की टीम है. तो जो ओ है वो ऑक्सीजन के लिए है, स्पेन का स जो है वो सल्फर के लिए है, से जो है वो सिलीनियम के लिए है, फिर तेज का जो टे है वो है टेलेरियम के लिए, और पोलैंड का पो वो है पोलोनियम के लिए. ठीक है, क्या है? ओ स्पेन से तेज है पोलैंड. ठीक है, स्पेन से तेज पोलैंड क्या है? ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सिलीनियम, टेलेरियम और पोलोनियम. ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलेरियम और पोलोनियम. ठीक है, तो ओ स्पेन से तेज है पोलैंड. तो ये था हमारा ग्रुप 16, जिसको याद कर सकते हैं हम इस सेंटेंस से, ओ स्पेन से तेज पोलैंड. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप 17 की तरफ. ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हैलोजन्स. ठीक है, क्या होते हैं? हैलोजन्स होते हैं. और कौन से एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 में? होता है फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन और एस्टेटीन. ठीक है, क्या होता है? फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन और एस्टेटीन. ठीक है, तो ग्रुप 17 के इन एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे हम? तो याद करने के लिए ट्रिक है, फिर कॉल ब्रेक हुआ आइडिया अटकी. क्या है? फिर कॉल ब्रेक हुआ आइडिया अटकी. अब क्या है सेंटेंस में, हम कैसे याद करेंगे उसको? फिर का जो फ है वो है फ्लोरिन के लिए, फ्लोरिन. फिर कॉल का जो सी है वो है क्लोरिन के लिए. ठीक है, फिर ब्रेक का ब्र है वो है ब्रोमिन के लिए. फिर जो है आइडिया, आइडिया का आई है वो है आयोडीन के लिए. और अटकी का ए टी इज फॉर एस्टेटीन. तो फिर कॉल जो है वो ब्रेक हुआ, आइडिया अटकी. अब आइडिया आप वो वाली आइडिया को भी ध्यान में रख सकते हैं, या आइडिया जो कंपनी है, जो कॉल सर्विस प्रोवाइडर है, उसको भी याद रख सकते हैं. आसानी हो जाएगी ये याद रखने में कि फिर कॉल ब्रेक हुआ आइडिया अटकी. फिर का फ्लोरीन, कॉल का क्लोरीन, ब्रेक का ब्रोमीन, आइडिया का आयोडीन और अटकी का एस्टेटीन. ठीक है, फिर कॉल ब्रेक हुआ आइडिया अटकी. फिर कॉल ब्रेक हुआ आइडिया अटकी. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर जो है 18 की तरफ. तो 18 की तरफ बढ़, अब क्या सेंटेंस है हमारा? तो जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 के सबसे पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं हम. कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें? नोबल गैसेस होती हैं. ठीक है, जो कलरलेस, ओडरलेस होती है नोबल गैसेस. उसमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन. ठीक है, इसमें रेडॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन. ठीक है, तो हम इन एलिमेंट्स को याद कैसे करेंगे? तो एक सेंटेंस से याद करेंगे. सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, हेमा ने अरुण कुमार को जीरो पर रन आउट किया. क्या किया? हेमा ने अरुण कुमार को जीरो पर रन आउट किया. यहां पर देख सकते हैं हम, एक हेमा है जो कि क्रिकेटर है,
ठीक है, हेमा ने, ये अरुण है लड़का, अरुण को जीरो पर रन आउट किया है, ठीक है, हेमा ने अरुण कुमार को जीरो पर रन आउट किया। तो याद रखेंगे हेमा का हे जो है दैट इज फॉर हीलियम, ने हेमा ने नियॉन, अरुण आर्गन, कुमार क्रिप्टॉन, जीरो, जीरो हम इसको एक्स ई जीरो करके कंसिडर करते हैं फॉर ज़ेनॉन, और रनआउट का आर जो है वो फॉर रेडॉन, ठीक है। तो हेमा ने अरुण कुमार को जीरो पे रनआउट किया, हेमा ने अरुण कुमार को जीरो पे रनआउट किया, ठीक है। क्या है हमारा सेंटेंस, हेमा ने अरुण कुमार को जीरो पे रनआउट किया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और फिर रनआउट का रेडॉन, ठीक है। तो ये थे हमारे तीन ट्रिक्स जिससे हम पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक के ग्रुप 16, 17 एंड 18 को याद करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने पी ब्लॉक के ग्रुप 13, 14 और 15 को जरूर याद किया होगा। नहीं किया है तो अभी जाकर के उसको याद करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे जरूर मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये निमोनिक ट्रिक्स अगर आपको याद हो रहे हैं तो थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक करें और हमें ये बता दें कि थम्स अप बटन पे क्लिक करके कि आपको ये निमोनिक्स याद हो रहे हैं कि नहीं, और कौन से आइडियाज या कौन से टॉपिक्स के लिए आपको निमोनिक्स चाहिए ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। टेस्टबुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।